नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। सो अभी मैंने देखा कि पूजा और संचिता आपस में बात कर रही थी कि बिना मूल्य दिए किसी का ऋण लेना गलत है। आई एग्री विद बोथ ऑफ देम। जब भी आप किसी से कुछ चीज लेते हो, याद रखिए दान में ली है कि दक्षिणा में ली है। अगर दक्षिणा में ली है कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने कोई काम किया है उनके लिए। और अगर दान में ली है तो क्यों ली है? क्या आप समर्थ नहीं है दान में लेने के लिए? क्या उसने आपको दान किया है? याद रखिए, अगर आप कोई चीज किसी को दान में दे रहे हैं तो उसे भूल जाइए। अपेक्षा मत रखिए कि मैंने उसे कुछ दिया है। लेकिन किसी भी आदमी ने अगर आपको दान दिया है तो सोचो मैंने उसका मूल्य दिया है कि नहीं दिया। आज नहीं तो कल मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी आदमी से आपने दान दिया है तो भूल जाओ, और दान लिया है तो उसको मत भूलो। हो सकता है उस आदमी के मन में उपेक्षा हो और वो दान ना हो, आप उसे दान समझ रहे हो, वो दान नहीं है। तो याद रखिए, अगर कोई भी आदमी आपके घर में आता है, गिफ्ट लेके आता है, तो कोई मतलब होगा उसका। अगर वो गिफ्ट लेके आता है उसका मतलब है, तो उसको रिटर्न गिफ्ट दो, उसके मूल्य को वापस करो साथ के साथ में। मूल्य डजंट मीन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट, इट कैन बी ए नॉन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट। सो द बेस्ट दान इज ए नॉन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट दान। किसी को आशीर्वाद दो, किसी को स्माइल दो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दो, किसी की बड़ाई करो, और रिटर्न के अंदर में वो भी आपकी बड़ाई करे। सो कॉम्प्लीमेंट्स इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव। अदरवाइज जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हो तो दूसरे आदमी के अंदर में इच्छा आ रही है कि मैं 5 साल से उसको गिफ्ट दे रहा हूं, इसने मुझे एक बार भी नहीं दी, वो गिफ्ट नहीं है, उसमें कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। थैंक यू।